वेलकम बैक टू स्ट्रीमर्स। आज का ये ब्लॉग बहुत स्पेशल है। क्यों? क्योंकि ये जो हमारी स्ट्रीमर्स की फैमिली है, उसके अब परिवार के लोग बढ़ गए हैं। और कितने बढ़ गए? हम पूरे 101 हो गए हैं। तो शगुन का एक भी लगा हुआ है साथ में, तो उसी के साथ आज हम ये ब्लॉग शुरू करते हैं। तो आज का दुआ है, धीरे रे मना, धीरे धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौ घरा, ऋतु आए फल होए। अर्थात कबीरदास जी इस दोहे में कहते हैं कि जैसे आजकल की ज़िंदगी है ना हमारी, हमें बहुत कुछ जल्दी जल्दी करना होता है कि हमें कल के लिए टाइम बचाना है, कल के लिए टाइम बचाना है, हमें कल भी ये सारे काम है, इतने बहुत सारे काम है। तो इन शॉर्ट कबीरदास जी कहते हैं कि हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, जिस चीज़ के लिए जो समय उचित हो हमें उस समय में वही करना चाहिए। मतलब आप एक समय पे दो कार्य नहीं कर सकते। और जैसे कि आप कोई कार्य कर रहे हैं तो उसका फल अवश्य मिलेगा आपको, पर उसके फल का इंतज़ार करना होता है। ठीक उसी प्रकार जैसे अगर एक माली है, वो अगर एक पौधे को दिन में 100 घड़े पानी देता है, 100 बार पानी देता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्या होगा? फल तो तभी लगेगा उस पौधे में जब उसमें लगना होगा। बल्कि जब वो एक दिन में 100 बार पानी डालेगा उसमें, उसकी जड़ें खराब हो सकती हैं। तो जिस समय पर जो करना चाहिए वही करें, उसी में आपका फ़ायदा है। कबीरदास जी इन दिस कपलेट नरेट्स दैट वन शुड नॉट रश इन हिज और हर लाइफ। इन शॉर्ट कबीरदास जी से दैट There is a time for everything. A time for everything, that means you cannot do two things at a time because that will destroy both of them. So he gives the example here from the nature. He says that if a gardener gives 100 pot of water to a plant, the fruit that the plant will bear will come only and only in the season it has to come. It won't come immediately or right now. So you must do your work faithfully, sincerely, taking sufficient time for it. You should not make it a hassle work, because if you do it, it will go in vain. It will be a total waste. Just like if the gardener gives 100 pots of water to the plant, the roots of the plant will get damaged. So if you just go beyond the time limit, like if you try to do a lot many things in a particular time limit, nothing will go well. Everything will go like waste. It will be a total waste. So do everything in the time given. You will get the fruit when it has to come. Do you get it? I hope you like this vlog, and do subscribe, like and share this vlog and my channel. Thank you. We'll meet you in my next vlog, which will be coming up this Sunday, and let's wait for Sunday then. Bye. Thank you.